बच्चों, आज मैं आप सबको पर्यायवाची शब्द बताऊंगा, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश को गगन और नभ भी कहते हैं। गगन और नभ आकाश का पर्यायवाची है। सूर्य, बच्चों आपने पूरब दिशा में सूर्य को उगते देखा है। सूर्य को रवि और भानु भी कहते हैं। रवि और भानु सूर्य का पर्यायवाची है। चंद्र, चंद्रमा, बच्चों यह चंद्रमा का चित्र है। आप सबने रात में आकाश में चंद्रमा को उगते देखा है। चंद्रमा को राकेश और मयंक भी कहते हैं। पृथ्वी, यह पृथ्वी का चित्र है जहाँ पर हम सब निवास करते हैं। पृथ्वी को वसुंधरा और धरती भी कहते हैं। वसुंधरा और धरती पृथ्वी का पर्यायवाची है। पहाड़, पहाड़ को भूधर और पर्वत भी कहते हैं। भूधर और पर्वत पहाड़ का पर्यायवाची है। नदी, यह नदी का चित्र है। नदी को सरिता और तटनी भी कहते हैं। सरिता और तटनी नदी का पर्यायवाची है। वन, बहुत से वृक्षों से युक्त यह वन का चित्र है। वन को कानन और जंगल भी कहते हैं। कानन और जंगल वन का पर्यायवाची है। हवा, बच्चों यह हवा का काल्पनिक चित्र है। हवा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हवा को वायु और समीर भी कहते हैं। वायु और समीर हवा का पर्यायवाची है। आग, बच्चों आग हमें ताप प्रदान करता है और भोजन भी पकाया जाता है। आग को कृषाणु और पावक कहते हैं। कृषाणु और पावक आग का पर्यायवाची है। पेड़, पेड़ को पादप और तरु कहते हैं। पादप और तरु पेड़ का पर्यायवाची है। पुष्प, यह पुष्प का चित्र है। पुष्प को कुसुम और सुमन भी कहते हैं। कुसुम और सुमन पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। हाथी, यह धरती पर भूमि पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इसे हस्ती और मतंग भी कहते हैं। हस्ती और मतंग हाथी का पर्यायवाची है। घोड़ा, घोड़ा को है और बाजी भी कहते हैं। है और बाजी घोड़ा का पर्यायवाची है। सिंह, जंगल का राजा, इसे शेर और वनराज भी कहते हैं। शेर और वनराज सिंह का पर्यायवाची है। बंदर, ये बड़ा ही नटखट जानवर होता है। इसे कपी और मरकट भी कहते हैं। कपी और मरकट बंदर का पर्यायवाची है। बाल, यह बाल का चित्र है। बाल शरीर का श्रृंगार होता है। बाल को केश और कच्छ भी कहते हैं। केश और कच्छ बाल का पर्यायवाची है। आँख, जिससे हम सब दुनिया देखते हैं। आँख को चक्षु और लोचन भी कहते हैं। चक्षु और लोचन आँख का पर्यायवाची है। नाक, नाक को नासा और नासिका भी कहते हैं। नासा और नासिका नाक का पर्यायवाची है। कान, श्रुति और करण भी किसे कहा जाता है। श्रुति और करण कान का पर्यायवाची है। हाथ, हाथ को कर और हस्त भी कहते हैं। कर और हस्त हाथ का पर्यायवाची है। पैर, पैर को पद और चरण भी कहते हैं। पद और चरण
पैर का पर्यायवाची है। देवता, देवता को देव और सुर भी कहते हैं। देव और सुर देवता का पर्यायवाची है। गणेश, गणेश जी को विनायक और गजानन भी कहते हैं। विनायक और गजानन गणेश जी का पर्यायवाची है। शिव, यह शिव जी का चित्र है जिनके मस्तक पर चंद्रमा और तीसरा नेत्र है। शिव को शंभु और महेश भी कहते हैं। शंभु और महेश शिव का पर्यायवाची है। घर, घर को आवास और धाम भी कहते हैं। आवास और धाम घर का पर्यायवाची है। जल, जल ही जीवन है। जल को वारी और नीर भी कहते हैं। जल का पर्यायवाची है वारी और नीर। कमल, यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमल को जलज और पंकज भी कहते हैं। जलज और पंकज कमल का पर्यायवाची है। बादल, बादल को जलद और मेघ भी कहते हैं। जलद और मेघ बादल का पर्यायवाची है। समुद्र, बच्चों समुद्र को जलधि और सागर भी कहते हैं। जलधि और सागर समुद्र का पर्यायवाची है। बच्चों इस तरह से आप सबने पर्यायवाची शब्द को जान लिया। अब कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला, निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्द बताइए। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। हवा, हवा को वायु और समीर भी कहते हैं। पानी, पानी को जल और नीर भी कहते हैं। आग, आग को पावक और किसानु भी कहते हैं। अब चित्रों को देखकर पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। यह सूर्य का चित्र है, सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि और भानु। चंद्रमा का चित्र है तो हम यहाँ लिखेंगे राकेश और मयंक। नेत्र का चित्र है तो हम यहाँ लिखेंगे चक्षु और लोचन। अगला अभ्यास, तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। चित्र देखिए, चित्र देख करके उचित अक्षरों के द्वारा इसे पूर्ण करिए। जैसे प्रथम बादल का चित्र है तो रिक्त स्थान में यदि हम द भर दें तो बादल हो जाएगा। अद्वितीय चित्र पहाड़ का चित्र है, यदि रिक्त स्थान में हम हा भर दें तो पहाड़ हो जाएगा। और अंतिम चित्र कमल का चित्र है, इसमें रिक्त स्थान में हम म भर दें तो कमल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपने पर्यायवाची शब्द को जान भी लिया और अभ्यास भी कर लिया।